दोस्तों, आज हम एक ऐसे बहुत बड़े कलाकार की बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के, जो अपने दम पे किसी मूवी को गोल्डन जुबली बना देते थे, और उनका नाम आप खुद ही समझ गए होंगे। उनका नाम है राजेंद्र कुमार। दोस्तों, राजेंद्र कुमार एक बहुत बड़े एक्टर रहे हैं और बॉलीवुड के नामचीन एक्टर में उनकी गिनती हुआ करती थी। और वो जिस मूवी को अगर उनको कहा जाए कि वो जिस मूवी में एक्टिंग करते थे, या जो भी मूवी उनकी आती थी, उस मूवी को वो बॉक्स ऑफिस पे एक गोल्डन जुबली मूवी बना देते थे, और इसीलिए उनको जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज जानते हैं राजेंद्र कुमार की वो पांच कौन सी बेस्ट मूवियां रही जो उनके करियर में उनको सुपरस्टार के रूप में पॉपुलर करा पाई। चलिए दोस्तों, हमारे हिसाब से अगर हम उनकी पहली मूवी को रखें तो वो है आरजू, जिसमें इनकी को स्टार थी साधना और फिरोज खान साहब। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कमाई करते हुए एक गोल्डन जुबली मूवी ये देखी गई, और इस मूवी में राजेंद्र कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया और लोगों ने इनके जम के तारीफ करी। अब हम इनकी सेकंड मूवी को रखें दोस्तों, तो वह है संगम, जिसमें इनके साथ सुपरस्टार राज कपूर साहब, वैजयंती माला, ललिता पवार इसमें मेन लीड रोल में थे इनके साथ को स्टार, और इस मूवी में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और ये मूवी भी एक गोल्डन जुबली मूवी के रूप में इस मूवी को देखा गया। अब हम बात करते हैं एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी, जो बॉलीवुड के इतिहास में बहुत बड़ी मूवी उसको कहा जाता है, उस मूवी का नाम है मदर इंडिया, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये थे, और इनके साथ थे सुनील दत्त साहब और नरगिस। हालांकि इस मूवी में इनका एक सपोर्टिंग रोल था, पर सपोर्टिंग रोल में ये बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आए, और ये मूवी बॉलीवुड की बहुत चर्चित मूवियों में से एक है और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की मूवी श्रेणी में इस मूवी को रखा गया। अगर कहा जाए कि इसका कलेक्शन ताबड़तोड़ रहा तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब हम इनकी बात करें चौथी मूवी की, तो वो है गीत, जिसमें इनके साथ थी सुपरस्टार माला सिन्हा, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन। दोस्तों, इस मूवी में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और ये मूवी एक गोल्डन जुबली मूवी के रूप में इस मूवी को देखा गया। अब हम इनकी पांचवी मूवी को रखें, तो जो इनके करियर के लिए बहुत ही बड़ी साबित हो पाई, वो है तलाश, जिसमें इनके साथ थी शर्मिला टैगोर, हेलन और जीवन साहब। दोस्तों, इस मूवी में भी लोगों ने इनकी जमके तारीफ करी इनके काम की, और लोगों का इनका रोल काफी सारा पसंद आया, और ये बॉलीवुड में एक के बाद एक हर मूवी में छाते गए। दोस्तों, आपको राजेंद्र कुमार के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, इनका जो हमने मूवियों का एनालाइज किया वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे बॉलीवुड से जुड़े हुए चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।